ये है मैंगलोर का फेमस मछली रेस्टोरेंट. दिस इज फेमस फॉर द कोस्टल कर्नाटका क्विजीन. और यहाँ पे एक से बढ़कर एक कर्नाटका स्पेशल क्विजींस बनते हैं. एंड हम यहाँ पे अभी ट्राई करने वाले हैं. एंड विल कीप यू पोस्टेड. जस्ट वेट फॉर आर रिव्यू. वी आर हंग्री. सो हम आ चुके हैं मछली रेस्टोरेंट ऑफ मैंगलोर. और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट. आप देख सकते हैं भीड़. देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. और हमने उस बोर्ड से देखकर बहुत कुछ ऑर्डर किया है. और जब एक बार में आता है तब हमको आप दिखाते हैं क्या क्या हमने ऑर्डर किया है. सो ये है हमारा थाली. इसमें आप देख सकते हैं दाल है. ये शायद मछली का कुछ करी है. ये कुछ एक वेज है. राइस. दिस इज चिकन घी रोस्ट. दिस इज चिकन बिरयानी. और हम अभी शुरुआत करने वाले हैं. और भी हमारा आइटम आने वाला है. प्रॉन्स आने वाला है. स्क्विड्स आने वाला है. विल कीप यू पोस्टेड. और ये आ चुका है प्रॉन डीप फ्राई. और ये आ चुका है चिली स्क्विड्स. एंड ये है पॉम्फ्रेट मसाला फ्राई. अब हम अपना लंच पूरे जोर शोर से कर रहे हैं. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच. वॉट अ फूड मैन. वॉट अ फूड. मछली रेस्टोरेंट आउट ऑफ द ब्लू. मतलब क्या बताएं आपको. मतलब क्वालिटी फूड एंड मतलब हाउसफुल मैन. इट्स लाइक सेलिंग लाइक हॉट केक. स्क्विड्स, प्रॉन्स, पॉम्फ्रेट, चिकन घी रोस्ट, बिरयानी, राइस, थाली. उफ, ऑसम. जस्ट ऑसम एक्सपीरियंस. अगर आप कभी भी मैंगलोर आए सो डू ट्राई दिस कोस्टल स्पेशलिटी रेस्टोरेंट. राइट. थोड़ा क्राउडेड है. लाइन में लगना पड़ सकता है. बट वर्थ द वेट. एंड ऑसम फूड. डू गिव इट अ ट्राई. थैंक यू. बैंगलोर की तरफ. बट आते वक्त हमने हासान सकलेशपुर होके हमने जो रूट था वो सिलेक्ट किया था. जाते वक्त थोड़ा सा ट्विस्ट. हम मदिकेरी और मैसूर होते हुए बैंगलोर वापस जाएंगे. सो मैंगलोर का ट्रिप भी अच्छा था. आई वोंट से कि दैट्स अ ग्रेट बीच और समथिंग. आई वोंट कंपेयर इट विद गोवा और वर्कला. राइट. नो. इफ यू वॉन्ट ए क्विक गेट अवे सिंगल डे में आके थोड़ा बीच देख लो, थोड़ा अच्छा खाना खा लो एंड अच्छा रोड ड्राइव हो जाए विद अ गुड कंपनी, देन दैट्स द प्लेस. राइट. एंड बाकी और क्या. हाँ, अभी वो फुल मून के चक्कर में हाई टाइड्स थे एंड देयर वर रेस्ट्रिक्शन. वी कुडंट यू नो टेक द बाथ इन द बीच. बट उसमें भी हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करके पैर हाथ तो भिगा ही लिया. राइट राइट. ठीक है. तो इसीलिए किसी चीज़ का अफसोस नहीं है. सुबह हम 3 बजे निकले और अभी हम दोपहर के 3 बज रहे हैं. 12 घंटा हो चुका है. तो आते वक्त का ट्रिप हमारे सौरभ दाजू ने शानदार तरीके से ड्राइव किया. और अभी हम रिटर्न में अपने नेक्सॉन को खींच के वापस ले जा रहे हैं. सो रात तक का टारगेट है 10:30-11 बजे तक आराम से हम पहुंच जाएंगे. अनटिल देन आपको रास्ते की ब्यूटी दिखाते हैं. देखिए यहाँ ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरेटिवली जो सुबह का रूट किया था. बट रास्ता अच्छा है. रोड कंडीशंस आर गुड. और ये हमारे भाई पीछे नाक बजाते हुए बहुत ही टायर्ड है बेचारे. ईटा पत्थर बहुत कुछ होना पड़ा है इन्हें पिछले हफ्ते. डिजिटल माध्यम से. ओहो, हमारे व्हाइट कॉलर लेबर उठ चुके.
फिलहाल यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा और हम मुंदू मुंदू स्पीड से जा रहे हैं। और हम मधिकरी आ चुके हैं। मधिकरी के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ हम चाय पीने के लिए बैठे हैं और काफ़ी अच्छा मौसम, बारिश हो रही है और इसमें ड्राइव करने का कुछ अलग ही मज़ा आया। सेक्शंस टेढ़े मेढ़े और मेरे लिए नया एक्सपीरियंस। सो घूम फिर इट वॉज ए नाइस जर्नी एंड अभी तक टारगेट है कि रात के 11:30 तक हम घर पहुंच जाएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। हम वाया मैसूर होके जाएंगे बट मैसूर में रुकने का कोई प्लान नहीं है। लेट्स सी हाउ इट गोज। स्टे ट्यून्ड।